यार देखिए है क्या, रिक्शा टाइप से लग रहा देखने में। ये हेलमेट, हेलमेट देखिए कितना भयानक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सलारजंग म्यूजियम और सुबोध है टिकट काउंटर में, बिकॉज वहाँ टिकट कटवाने ही है और बैग वगैरह जो लेकर आए हैं उसको भी रखने गया है। अभी आप लोग को दिखाते हैं, देखिए ये रहा म्यूजियम। तो और यहाँ पे देखिए एक नया चीज़ है, बहुत ही पुराना है फ्रेंड्स, और आप लोग को नया नया चीज़ देखने को मिलेगा अंदर। टिकट कटवा चुका है, कितना लिया प्राइस? कैमरा का 50-50 करके टिकट लिया, और कैमरा का कितना लिया? कैमरा का 50, यानी 150 लगभग लगा हम लोग का कैमरा और हम लोग का 2% का। सो अभी अंदर चलेंगे, म्यूजियम के अंदर चलते हैं और कुछ अनोखा अनोखा चीज़ दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे बैग वगैरह को हम लोग रख देंगे पहले, ये सारा लॉकर्स है और यहाँ पे हम लोग को रखना है बैग को। हम दोनों म्यूजियम इंटर कर चुके हैं और अब दिखाते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर ना झूमर रखा हुआ है। और ये रहा मैप, देखिए कहाँ जहाँ जहाँ आपको जाना है ये मैप लेकर लेके चलेगा। देखिए है क्या, रिक्शा टाइप से लग रहा देखने में, मशीन उसीन शायद लगा हुआ होगा इसमें, बहुत पुराना जमाना का होगा ये भी। और यहाँ पे देखिए आप लोग, एकदम पुराना पुराना एकदम पोशाक रखा हुआ है महाराजा राजाओं का। और यहाँ पे देखिए मोर वगैरह का टाइप से डिज़ाइन बना हुआ जैसा लग रहा देखने में, मोर नहीं है कुछ और ही होगा। और यहाँ पे देखिए आगे तरफ पुराना पुराना साड़ी, पहले ज़माने में भी इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हुआ करते थे। और ये सब देख रहे हो फ्रेंड्स, इस सारे जैसा शीशा टाइप से लग रहा ना देखने में आप लोग को, ये है सारा हुक्का बटम है और वो भी 19वीं सदी का है, बहुत ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पे देखिए कितने जन आए हैं घूमने के लिए, हैदराबाद का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है ये। और देखिए आप सामने देखिए कितना अच्छा अच्छा पोशाक रखा हुआ राजाओं का, और सारा हैंडमेड डिज़ाइन से बना हुआ है। और भीड़ देख रहे हो गाइस, सुबह तो आगे आगे भागा जा रहा है। सो हम लोग अभी आ चुके हैं हाथी दांत का कक्ष, चलिए अंदर चलते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही पुराना पुराना स्टैचू है यहाँ पे, बोरी देखिए जीसस है, मेरा डेट ऑफ बर्थ। और ये है जापानीज आइवोरी, ये सारे स्टैचू हैं। ये है आपका चाइनीज एंड जापानीज आइवोरी, ये जितने भी सारे स्टैचू देखिए, ये देखिए कितना गजब के। ये है आपका जापानीज आइवोरी श्रीन गॉड ऑफ पनिशमेंट 19th century, देखिए कुछ इस तरीके से थे। और यहाँ चेस देख सकते हैं आप लोग, इस तरीका से तो होते थे राजा रानी मंत्री सैनिक वगैरह जितना कुछ देखिए आप। पहले इस तरीके से चेयर्स वगैरह रहते थे देखिए फ्रेंड्स, अजूबा अजूबा चीज़ रहता था, देखिए अलग ही लेवल का है सब कुछ। अब देख सकते सामने से पे आप देख सकते हैं तराशे हुए हाथी दांत, क्रैब डाइवोरी टक्स, देखिए ये देखिए एलिफेंट टीथ काफ़ी लंबा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो एलिफेंट टीथ है यहाँ पे, और सारे तराशे हुए हैं देख सकते हैं, शाइनिंग गजब है भाई।
यहाँ पे देख सकते हैं तरासे हुए हाथी के साथ क्रैप डाइवरी टक्स, सारे डिजाइंस बने हुए हैं इसमें। माय गॉड, दिस इज लुकिंग ऑसम। ये सारे एलिफेंट टीथ्स हैं और सारे में डिजाइंस कैसे तैयार किया देखिएगा इस। यहाँ पे आप देख सकते हैं देवी देवताओं की हाथी दांत की मूर्तियाँ, ठीक है, ये सब हाथी के दांतों के मूर्तियाँ बने हुए हैं, ठीक है, सारे अच्छे हाथी के दांत के तराशे हुए मूर्ति है ये, और कितने अच्छे से मतलब कि कारीगर किया गया है इनको, ठीक है, हर एक चीज़ को देखिए। सामने चाइनीज एंड बर्मिस आइवोरी, और ये भी मूर्ति आप देख सकते हैं ये भी हाथी के दांत के ही हैं। यहाँ इतना भीड़ किस लिए मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। राजाओं लोगों का पहले जमाने का तलवार वगैरह, और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा बंदूक सब है देखिए। सारे पिस्टल्स है ना सुबोध, सारे पिस्टल्स है ना। ये है बड़ा बड़ा वाला, अलग अलग लेवल का है यहाँ पे। ये हेलमेट देखिए कितना भयानक है, और नीचे देखिए उनका कोट ऑफ मेल देखिए। देखिए पुराने जमाने में पिक्चर्स हाथों से ही मतलब बनाते थे, आर्ट वगैरह करते थे, देखिए सारा आर्ट किया हुआ यहाँ, जितना देख रहे हैं ना सारा आर्ट किया हुआ देखिए, ये सारा में है पूरा, हर एक चीज़ में है। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर क्या है देखेंगे, नीचे जितना कुछ था सारा कुछ देख लिया है, अभी ऊपर देखेंगे नया नया चीज़ देखने को मिल रहा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम, अलग अलग चीज़ देखने को मिल रहा, नया नया बंदूक वगैरह मतलब पिस्टल्स वगैरह हर एक चीज़, हाथी का दांत मिल गया, मतलब नया नया तलवार मिल गया, मतलब पुराने जमाने में मुकुट वगैरह क्या क्या पहना जाता था, है ना सुबह, सारा चीज़ मतलब अलग अलग चीज़ है म्यूज़ियम में, नया नया चीज़ देखे, कभी देखे नहीं थे लाइफ में, फर्स्ट टाइम आए हुए यहाँ पे हैदराबाद, तो हर एक चीज़ देखने को मिल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना ये सब सारा क्या है, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, एक मेरे को समझ में आ रहा है कि बॉक्सेस है कुछ, और एक मिरर वगैरह टाइप से कुछ लग रहा है, ये फ़ोटो फ्रेम है, ये सामने आप देख रहे हैं ये फ़ोटो फ्रेम से, और देखिए पेंटिंग ऑन राइस, और ये वाला आप देख सकते हैं रोलिंग हॉर्स वुड 19th century जापान, देखिए कुछ नया है, क्लियर नहीं हो पा रहा यहाँ पे। ईस्टर्न ब्लॉक में जा रहे हैं हम लोग आगे की ओर, प्लेस इतना अच्छा लग रहा है देखिए, हर एक जगह मतलब इतना अच्छा से कारीगर किया, यहाँ हर एक चीज़ को बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। हम लोग अभी इसके अंदर जा रहे हैं, ये यहाँ क्या है देखिए, कुछ नया ही देखने को मिल रहा फ्रेंड्स, अनोखा चीज है यहाँ पे, जो कि मैंने अपना लाइफ में कभी भी नहीं देखा है देखिए। अब ये ला सामने से देखिए ये कितना पुराना है, 19th century का है एग्जैक्ट, यहाँ से हम लोग को दिख रहा फ़ोन जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कैमरा, और ये रहा आपका थाली जो ऊपर में इतना बड़ा थाली में खाना खिलाया जाता, तो डाइनिंग टेबल देखिए अलग ही लेवल का डाइनिंग टेबल है, अलग हर एक चीज़ यहाँ पे मतलब इतना तराश से तैयार किया गया देखिए। हम लोग जा रहे हैं जापानीज़ गैलरी, ये देखिए इसके अंदर, वाह देखिए अलग ही लेवल का है हर एक चीज़ यहाँ पर, ठीक है ये सब पॉट है आप फ्लावर्स वगैरह रख सकते हैं, बट ये 19th century का देखिए सामने दिख रहा होगा 19th century, सारे कोई 19th century के हैं प्रोसेस, देखिए ये सारा कुछ है
ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अभी कितना बड़ा डाइनिंग टेबल है देखिए, और ये सब है बैठने के लिए। ये सोफ़ा, अभी का सोफ़ा आप देखे होंगे, और ये आप 19 सेंचुरी का सोफ़ा देखिए, कितना बड़ा बड़ा पॉट है देखिए, सब पॉट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो हैं चाइनीज़ गैलरी देखिए, और यहाँ पे देखिए कितना पुराना पुराना सामान रखा हुआ है देखिए। मूवी में देखे होंगे ना ये चेयर सब, हॉरर वाला ऐसे हिलता था, वैसी लग रहा चेयर तो देख के मेरे को। तो सारा पुराना सामान है देखिए। ये सोफ़ा है, बैठ सकते आराम से इसमें, यानी 19वीं सेंचुरी का है। और वो देखिए पेंटिंग जो किया हुआ ना, वो आपको कपड़ा में बनाया गया है, वो जो पेंटिंग है ना कपड़ा में, देखिए 19वीं सेंचुरी का पेपर इस तरीके से होता था, और उसमें आर्ट बना हुआ रहता था, यह आर्ट बनाता तो लोगों। देखिए ये सारा आर्ट्स 19वीं सेंचुरी का था, देखिए बहुत ही अच्छा आर्ट लग रहा देखने में, आर्ट कला जो बनाया है। यहाँ पे देखिए कारपेट विथ वेज डिज़ाइन 19वीं सेंचुरी, देखिए ये सारा है 19वीं सेंचुरी का। पुराने ज़माने में मुग़ल एरिया 1526 से 1857 तक, देखिए इसी तरीके से स्टोन्स रहते थे, माला वगैरह देखिए इतने पुराने। तो अभी हम लोग म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना भाई। सो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।